हाँ डियर स्टूडेंट्स, अब जो एक्सरसाइज हमारी अवकलन, उसके अंदर जो हमने उदाहरण किए थे, अब है एक्सरसाइज 7.1। उसमें क्वेश्चन है कि प्रश्नमाला 7.1, इस 7th एक्सरसाइज में केवल मैंने कल ही बताया था आपको 6 नंबर का बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएगा, और अभी तक आपको पता ही है कोरोना महामारी की वजह से मैथ का एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो गया है, अब मई में होने की संभावना है गवर्नमेंट के अनुसार। तो इसमें 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपको, अब 6 नंबर का, दो दो नंबर के तीन पार्ट आ सकते हैं, तीन तीन नंबर के आ सकते हैं, यानी तीन तीन नंबर के दो पार्ट भी आ सकते हैं, या 6 नंबर का एक अकेला क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वेयर, तो इसको फलन को y बराबर लेंगे, y बराबर साइन एक्स स्क्वेयर, तो y का वेरिएबल राशि क्या है, x है, तो y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का x के सापेक्ष अवकलन, तो dy/dx साइन एक्स स्क्वेयर का करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस एक्स स्क्वेयर। क्यों आएगा ये एक्स स्क्वेयर, तो एंगल में है साइन के, कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था d/dx साइन एक्स, तो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, कोस एक्स अवकलन में। अब किसका करेंगे, कोस एक्स स्क्वेयर, फिर इस एक्स स्क्वेयर एंगल का करेंगे, तो डी डॉट चैन रूल से d/dx एक्स स्क्वेयर, इनको कौन से सूत्र से होगा, एक्स की पावर एन पावर वाले फॉर्मूले से, तो dy/dx कोस एक्स स्क्वेयर डॉट 2x। अब देखो समझने वाला परीक्षक, ये कई बच्चे क्या कर देते हैं, 2x इसके पास में लगा देंगे तो एंगल बन जाएगा, इस 2x को आप यहां आगे ले आओ तो क्या आ जाएगा, 2x डॉट कोस एक्स स्क्वेयर, 2x डॉट कोस एक्स स्क्वेयर, ये dy/dx इनका अवकलन हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट बहुत छोटे क्वेश्चन, साइन एक्स स्क्वेयर इस प्रकार अवकलन कर देंगे, समझ में आया ना सभी के। अब है सेकंड नंबर tan 2x + 3, सेकंड नंबर क्वेश्चन है y = tan 2x + 3, तो y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, आप स्टेप वाइज क्वेश्चन को लिखोगे, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy/dx tan का क्या होता है, tan x, जैसे tan x का अवकलन sec स्क्वायर x, तो tan 2x + 3 एंगल में, तो tan 2x + 3 का अवकलन हो जाएगा sec² 2x + 3। अब किसका अवकलन करेंगे, 2x + 3 का एंगल का, तो क्या हो जाएगा, d/dx 2x + 3, इसके अंदर 2x का अवकलन 2 हो जाएगा पावर वाले फॉर्मूले से, परंतु 3 अचर राशि है कांस्टेंट, तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा, तो dy/dx sec² 2x + 3, फिर इस 2x, इस 2 को मैं यहां ले रहा हूं, 2 dot sec² 2x + 3, ये dy/dx। प्रत्येक क्वेश्चन सिंपल है, मेन बात ये है इसमें कि प्रत्येक अवकलन के फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, या अगर किसी बच्चे को नहीं आता है तो हम 11th क्लास में प्रथम सिद्धांत से अवकलन इसको कर लीजिए, या वैसे 12th वाले बच्चे हैं उनको तो मुख जबानी लगभग ये मुख्य सूत्र है उसके तो याद ही है। फिर इसके अंदर त्रिकोणमिति के फॉर्मूले जो 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं वो डिफाइन होने चाहिए, उसी के आधार पर प्रत्येक क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया ना सभी के, ठीक है। अब देखिए
ये दो क्वेश्चन हुए हमारे। अब थर्ड क्वेश्चन है, साइन के थर्ड क्वेश्चन, वाई बराबर साइन एंगल में है कोस, फिर उसके एंगल में एक्स स्क्वायर, ऐसे हैं। अब ऐसे क्वेश्चन कई बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, साइन ये पूरा साइन के अंदर कोस एक्स स्क्वायर, ये साइन थीटा जो एंगल होता है ना कोण, उसमें है कोस एक्स स्क्वायर, फिर कोस के एंगल में है थीटा एक्स स्क्वायर। अब वही लाइन कि वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई पॉन डी एक्स, साइन एक्स का जिस प्रकार साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स होता है, तो बार बार सूत्र आपको लिखने की, यानी प्रत्येक क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, यहाँ बार बार फॉर्मूले लिखने की आवश्यकता नहीं है, परंतु परीक्षा में आता है, तो परीक्षा में तो आपके दो या तीन क्वेश्चन आएंगे पार्ट में, या एक क्वेश्चन आएगा, तो स्टेप वाइज आप लिखोगे यहाँ जो भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो, जैसे डी पॉन डी एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स का फॉर्मूला होगा कोस एक्स इस प्रकार, तो यहाँ साइन कोस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कोस फिर डॉट, यानी कोस कोस एक्स स्क्वायर, सॉरी डॉट नहीं, एंगल में है कोस एक्स स्क्वायर, फिर किसका करेंगे, कोस एक्स स्क्वायर का, तो डॉट डी पॉन डी एक्स कोस एक्स स्क्वायर, तो कोस एक्स डी पॉन डी एक्स कोस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स, तो कोस एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन एक्स स्क्वायर, डी वाई पॉन डी एक्स कोस और फिर कोस एक्स स्क्वायर, कोस का क्या होगा माइनस, इस प्रकार ब्रैकेट लगा दीजिए आप, साइन एक्स स्क्वायर, फिर इस एंगल का करेंगे डॉट डी पॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अवकलन क्या होगा, दो एक्स हो जाएगा एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से, इस दो एक्स को मैं यहां लिख रहा हूं आगे सबसे पहले, तो डी वाई पॉन डी एक्स दो एक्स डॉट कोस कोस एक्स स्क्वायर, फिर ये देखो माइनस है, तो इस माइनस को मैं यहाँ ले लिया साइन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डी वाई पॉन डी एक्स। परीक्षा में इस प्रकार आपको क्वेश्चन आ सकता है कि वाई बराबर दे देगा जिस निम्न प्रश्न का डी वाई पॉन डी एक्स ज्ञात कीजिए, तो डी वाई पॉन डी एक्स एक्स के सापेक्ष डिफरेंस यानी अवकलन है डिफरेंशिएशन, तो y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, साइन का किया फिर कोस का किया फिर कोस के एंगल का कर दिया। अब कई बच्चे ऐसे गलतियां, मैं बताता हूं आपको, लगभग स्टूडेंट की ऐसी गलती हो जाएगी जैसे कोस एक्स स्क्वायर है ये एंगल में, और कई बच्चे पावर वाला अवकलन कर देंगे, दो आगे ले आएंगे, गलत हो जाएगा, कोस स्क्वायर होता कोस के अंदर होती पावर, तब हम पावर वाला सूत्र लगाएंगे, ये एंगल में है, ये ध्यान रखोगे आप, समझ में आया ना सभी के, क्लियर है। अब देखिए चार नंबर क्वेश्चन है, sec x माइनस एक अपॉन sec x प्लस एक, हमारे पास चार नंबर क्वेश्चन है, y बराबर sec x माइनस एक और sec x प्लस एक। अब इसको वैसे हम sec x से, ये लेंथ ही बहुत लंबा होता है क्वेश्चन, तो इसको जहां भी tan cot sec और cosec, ये हम टेंथ में भी पढ़ चुके हैं त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री के, इसको हम सरल करते हैं, किस में करते हैं बच्चों, टेन साइन और कोस में, तो सेक को किस में चेंज कर लेंगे कोस में, तो सेक एक्स क्या होता है वन अपॉन कोस एक्स, कोस का विपरीत होता है माइनस वन, वन अपॉन कोस एक्स प्लस एक। अब इसमें अंश में एलसीएम कोस एक्स, हर में एलसीएम कोस एक्स, कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा एक माइनस कोस एक्स एक प्लस कोस एक्स। अब इसको कौन सी विधि से अवकलन करेंगे, यू अपॉन वी विधि से, तो डी वाई पॉन डी एक्स हर का वर्ग एक प्लस कोस एक्स का वर्ग, फिर हर को रख देंगे एक प्लस कोस एक्स, फिर किसका करेंगे डी पॉन डी एक्स
एक माइनस कोस एक्स, फिर माइनस एक माइनस कोस एक्स को रख दिया, फिर किसका अवकलन करेंगे, यहां मैं लिख रहा हूं ब्लैक बोर्ड पर आ नहीं रहा है तो यहां कर दीजिए, डी पॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, एक प्लस कोस एक्स। दोबारा देखो, सबसे पहले sec x है इसको cos में चेंज किया, फिर अंश अपॉन हर, हर का वर्ग हर गुणा अंश का अवकलन, माइनस का चिन्ह आएगा फॉर्मूले के हिसाब से, अंश गुणा हर का अवकलन, तो cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस का sin x, तो dy अपॉन dx एक प्लस cos x का वर्ग एक प्लस कोस एक्स, और अब एक का अचर पद है इसका उकलन जीरो, परंतु माइनस कोस एक्स, कोस एक्स का उकलन होता है माइनस का साइन एक्स, तो माइनस कोस एक्स का क्या हो जाएगा, प्लस का साइन एक्स। फिर देखो माइनस एक माइनस कोस एक्स, फिर एक का उकलन जीरो, कोस एक्स का उकलन माइनस का साइन एक्स, तो माइनस और माइनस, यहां देखो ये यहां आगे माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस डॉट माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का चिन्ह आ जाएगा, तो डी वाई पॉन डी एक्स एक प्लस कोस एक्स का स्क्वायर, फिर एक प्लस कोस एक्स साइन एक्स, फिर देखो प्लस एक माइनस कोस एक्स डॉट साइन एक्स, ठीक है। अब देखो यहां भी सरल होता है, कॉमन आ रहा है हमारे पास, क्या कॉमन आ रहा है, साइन एक्स है दोनों में ना, तो साइन एक्स को हम कॉमन ले लेंगे, डी वाई पॉन डी एक्स साइन एक्स कॉमन लेंगे, क्या रहेगा यहां, एक प्लस कोस एक्स, एक प्लस कोस एक्स प्लस एक माइनस कोस एक्स अपॉन एक प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, तो देखो कोस एक्स हूं कोस एक्स कैंसिल, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई पॉन डी एक्स साइन एक्स, एक और एक दो, दो साइन एक्स बटे एक प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा डी वाई पॉन डी एक्स, समझ में आया ना सभी के, तो जहां भी टेन कोस है कोसेक आता है इसको आप साइन और कोस में चेंज कर लीजिए, फिर आप अवकलन के फॉर्मूले से आप इनको हल कर लीजिए, समझ में आया ना सभी के, ये हैं चार क्वेश्चन हमारे, बहुत छोटे क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन को करो तो आप स्टेप वाइज करिए, ठीक है। अब देखिए हमारे पास पांच नंबर क्वेश्चन है, रूट वाई बराबर मान, प्रत्येक फलन को अवकलन में वाई के बराबर ही लेते हैं क्योंकि डी वाई पॉन डी एक्स ज्ञात करना होता है हमें, तो रूट वन प्लस एक्स और माइनस रूट वन माइनस एक्स और रूट वन प्लस एक्स, रूट वन प्लस एक्स प्लस रूट वन माइनस एक्स है। अब मैंने बताया था यू अपॉन वी अंश बटे हर, परंतु ये देखो बच्चों अंश बटे हर से बहुत लंबा हो जाता है, लेंथी क्वेश्चन है, सरल नहीं हो पाता, तो हम छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं नाइन्थ और टेंथ में इस क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, हर का परिमेयकरण किया जाता है, हर या अंश का परिमेयकरण, परिमेयकरण एंटी मल्टीप्लाई एंटी गुणा करते हैं इसका, हम छोटी क्लास में पढ़ के रहे हैं मैथ में, तो प्लस है तो एंटी गुणा करेंगे माइनस का, माइनस है तो प्लस, क्यों करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सरल हो जाता है हमारे पास, फिर हम कर लेंगे इसका अवकलन, तो जहां भी सरल कर रहे हैं, अब कई बच्चे ऐसे कर देंगे डी वाई पॉन डी एक्स लगा देंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप अवकलन करोगे तभी लगाओगे डी वाई पॉन डी एक्स, अन्यथा आप जिसको सरल कर रहे हैं तो क्या करोगे, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का
परिमेयकरण करने पर तो y बराबर रूट वन प्लस एक्स माइनस रूट वन माइनस एक्स रूट वन प्लस एक्स प्लस रूट वन माइनस एक्स इंटू रूट वन प्लस एक्स माइनस रूट वन माइनस एक्स अपॉन रूट वन प्लस एक्स माइनस रूट वन माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसका देखो ये तो अंश वाला होल स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी डॉट a माइनस बी। हमारे पास फैक्टर्स गुणनखंड का फॉर्मूला छोटी क्लास में आप पढ़ के आए हो, a माइनस बी क्या होता है, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। तो y बराबर क्या हो जाएगा रूट वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फिर ये देखो दोनों समान है तो इसको आप क्या करोगे रूट वन प्लस एक्स माइनस रूट वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो y बराबर क्या हो जाएगा a की स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा एक प्लस एक्स, फिर प्लस b की स्क्वायर रूट हट जाएगा एक माइनस एक्स, फिर माइनस दो गुणा a डॉट b तो एक प्लस एक्स डॉट एक माइनस एक्स, और ये देखो a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर तो एक प्लस एक्स, फिर देखो माइनस एक, फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एक से एक कैंसिल, x और x कितने हो जाएंगे दो एक्स हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे दो एक्स, और x से x यहाँ भी कैंसिल। तो देखिए y बराबर हमारे पास क्या आया एक और एक है दो माइनस दो डॉट रूट एक माइनस एक्स स्क्वायर और दो एक्स। फिर देखो अंश और हर इसमें आप दो कॉमन ले लेंगे, दो कॉमन लेंगे तो क्या आएगा एक माइनस एक्स स्क्वायर फिर दो एक्स, दो से दो कैंसिल। अब इसका हम अंश बटे हर का अवकलन करेंगे कि वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy पॉन dx हर का वर्ग, फिर हर को रख देंगे किसका अवकलन करेंगे अंश का, d पॉन dx एक माइनस रूट एक माइनस एक्स स्क्वेयर, फिर देखो अंश को रखेंगे एक माइनस रूट एक माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ थोड़े से अक्षर छोटे हैं देखो बोर्ड पर, फिर उसके बाद यहाँ d पॉन dx x का अवकलन करेंगे, हर का वर्ग हर गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश गुणा हर का अवकलन। तो देखो यहां डी वाई पॉन डी एक्स एक्स स्क्वेयर, फिर x गुणा देखो एक अचर पद है इसका अवकलन जीरो, माइनस का रूट रूट एक्स का अवकलन होता है क्या होता है एक बटे दो रूट एक्स, जिस संख्या पर रूट लगा है किस पर रूट है रूट एक माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक बटे में क्या जाएगा दो डॉट रूट एक माइनस एक्स स्क्वायर। फिर देखो एक माइनस एक्स स्क्वायर का और होगा अवकलन, एक का अवकलन जीरो अचर पद है, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है माइनस का दो एक्स, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस दो एक्स। फिर देखिए माइनस का चिन्ह एक माइनस रूट एक माइनस एक्स स्क्वायर, फिर अंश का अवकलन एक्स का अवकलन एक, दो से दो कैंसिल, एक्स गुणा एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डी वाई पॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर और डॉट रूट एक माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक माइनस रूट एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये माइनस का चिन्ह है। अब इसमें देखो अपॉन हर में एक लगा दें, अंश में लघुतम एलसीएम ले लेंगे, लघुतम क्या आ रहा है रूट एक माइनस एक्स स्क्वायर, ये अंश का एलसीएम हमारे पास किस में आ जाएगा हर में आ जाएगा, किस में आ जाएगा हर में, तो डी वाई पॉन डी एक्स रूट एक माइनस एक्स स्क्वायर डॉट एक्स स्क्वायर, फिर देखो एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक का गुणा इस हर वाली संख्या से होगा एक माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस
ये देखो माइनस का एक माइनस रूट एक्स स्क्वायर है, तो माइनस टू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, रूट से रूट हट जाएगा, एक माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हूँ एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो क्या है हमारे पास, एक माइनस रूट एक माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट रूट एक माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। समझ में आया सभी के, कैसे किया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मैंने बताया आप छोटी क्लासों में अवकलन हो चाहे समाकलन हो, सबसे पहले हम परिमेयकरण से ही देखते हैं कि परिमेयकरण से होता है या नहीं होता है। अब हर का परिमेयकरण कर दीजिए चाहे अंश का कर दीजिए, इसमें हर का करेंगे तो अंश वाली संख्या समान है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, फिर इसको ए की स्क्वायर रूट हट जाएगा, फिर बी की स्क्वायर प्लस माइनस दो ए डॉट बी, फिर ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, एक प्लस एक्स माइनस एक प्लस एक्स, अंश बटे हर हो जाएगा, फिर इसको दो कॉमन लेंगे, दो से दो कैंसिल हो रहा है, फिर क्या करेंगे, वह जहां भी आप अवकलन कर रहे हो तब ये लाइन लिखोगे कि y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy वाई पॉन डी एक्स, हर का वर्ग, हर गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश गुणा हर का अवकलन, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब प्रत्येक स्टेप वाइज करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लास्ट में dy पॉन डी एक्स आ जाएगा। समझ में आया ना सभी के, क्लियर है? ठीक है, अब आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। साइन x डिग्री, 6 नंबर है y बराबर साइन x डिग्री। अब ये हमारी सातवीं प्रश्नावली सिलेबस अनुसार, सॉरी जो 11th के बच्चे गवर्नमेंट के नियमानुसार प्रमोट हो गए हैं 12th में, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, सातवीं प्रश्नावली सिलेबस वाइज शुरू कर दी हमने। ठीक है, श्री श्याम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की भादरा की तरफ से प्रश्नावली 7.1, और हमारा रूल आप पता ही है, सबसे पहले क्या करवाते हैं, स्टेप वाइज एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन करवाएंगे, टोटल उदाहरण, शुरुआत जिस प्रश्नावली के एग्जाम्पल शुरू होते हैं उसको एग्जाम्पल करवाते हैं, उसके बाद प्रत्येक क्वेश्चन, ठीक है, टोटल करवाएंगे जितने भी है। अब है वाई बराबर साइन एक्स डिग्री, चलो अब ये अगले पीरियड में कराएंगे। ठीक है, ओके।